सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 11 अक्टूबर है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों सरसों के अंदर। जैसा कि आपको कल बताया था कि 50 रुपये कल डाउन थी सरसों और आज 50 रुपये की तेजी जो है देखने को मिली है साथियों, चर्चा इसके ऊपर करेंगे। कहीं सरसों आज 100 रुपये भी तेज हुई है और चर्चा ग्वार के ऊपर करेंगे। आज भाव स्टेबल आप कह सकते हो, वायदा के अंदर भी स्टेबल भाव है और जो हाजिर की मंडी है वहां पर भी जो है भाव स्टेबल है। बात करें कॉटन की साथियों, तो कॉटन के अंदर आज एक थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है क्योंकि बिनोड़ा की जो मांग है वो कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भाव के अंदर एक सुस्ती देखने को मिली है। मूंग में और चना में थोड़ा थोड़ा सुधार जो है बनता हुआ नजर आया साथियों। चर्चा करेंगे सबसे पहले सरसों के ऊपर। देखिए, सरसों के भाव मैंने आपको इस सप्ताह के शुरू में बताया था कि कभी तेज कभी डाउन, कभी तेज कभी डाउन। ये जो 14-15 तारीख है जो श्राद्ध पक्ष है, तब तक भाव ऐसे ही चलेंगे साथियों। कल और परसों भाव के अंदर 25-25, 50-50 रुपए की जो है कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन आज भाव के अंदर 50 से लेके 100 रुपए बड़े प्लांट जो है सुधरे हैं और हाजिरी की जो मंडियां हैं उनके अंदर भी थोड़ा बहुत जो है सुधार देखने को मिला है आज सरसों के अंदर। बात करें सरसों के भाव की, करणपुर 5200 रुपए, गढ़साना 5200, रावड़ा 5100, 96 रुपए, रायसेनगर 5309, नागौर 5200, पदमपुर 5200, सिरसा मंडी 5180, आदमपुर 5260, हिसार 5300, शिवानी 5475, विजयनगर 5547, सलोनी 6250 बड़े प्लांट 50 रुपए थे, जयपुर 25 तेज 5800, 25 दादरी 5500, दिल्ली 5550, ये दोनों 50-50 तेज हैं, और गंगानगर मंडी माफी चाहूंगा 5547 और विजयनगर 5022 रुपए साथियों भाव रहे हैं सरसों के। विजयनगर के अंदर भरतपुर 5470 रुपए आज भाव रहे हैं बड़े प्लांट के अंदर। तो सरसों में उठापटक का खेल अभी आने वाले दिनों में भी जो है जारी रहेगा साथियों। बात करें ग्वार की, तो ग्वार वायदा के अंदर आज कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है, तो रुख थोड़ा सा पॉजिटिव है लेकिन भाव जो है स्टेबल है। हाजिर की मंडियों के अंदर जो कल सुधार हुआ था उसका थोड़ा सा सुधार जो है देखने को मिला, थोड़ा असर देखने को मिला है और हाजिर में जो है आज 20 से लेकर 30-40 रुपए तक जो है ग्वार के अंदर सबसे सुधार था। सिरसा 5250 रुपए, नोर 5340, आदमपुर 5400, बादरा 5480, शिवानी 5480, करणपुर 5341, विजयनगर 5402 रुपए, गंगानगर 5101 रुपए, पदमपुर 5216 और रायसेनगर मंडी के अंदर 5196 रुपए साथियों आज जो है ग्वार के भाव रहे हैं। बात करें साथियों कॉटन की, देखिए कॉटन इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। कॉटन में आज खबर निकल गई है सामने आ रही कि बिनोड़ा की जो मांग है वो काफी ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बिनोड़ा की जो मांग है वो कोई बहुत अच्छी जो है निकल के साथियों सामने नहीं आ रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा आने वाले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि सुधार इसमें आ जाए, लेकिन एक बार थोड़ा सा आज भावों के अंदर गिरावट आप कह सकते हो। हालांकि जो देसी कपास है उसके भाव लगातार जो है अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी बरवाड़ा मंडी के अंदर 8160 रुपए साथियों, लगभग 8200 रुपए के नजदीक, 8200 के नजदीक जो है देसी कपास साथियों रही है। तो ओवरऑल बात करें तो आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत सुधार बढ़ सकता है, लेकिन 1-2 दिन थोड़ा सा मंदी का दौर जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है। रायसेनगर 6890, आदमपुर 7019 रुपए, हनुमानगढ़ 7109, गोलूवाड़ा 7200, पूरा एलनाबाद 7209, बरवाड़ा 7100 रुपए बिका है आज कॉटन और 8160 रुपए बिकी है कपास। सिरसा मंडी के अंदर 7270 रुपए, कर्णपुर 6600 रुपए, यहां क्वालिटी का इशू बताया जा रहा है। विजयनगर 7221 रुपए और अनूपगढ़ के अंदर 7112, गंगानगर के अंदर 6900 रुपए आज जो है कॉटन साथियों बिका है। तो कॉटन के अंदर थोड़ा सा आज जो है सुस्ती देखने को मिली है। एक शिकायत लगातार मिल रही है कि कॉटन की ढेरियों को व्यापारियों के द्वारा 3-3 दिन सुखाया जा रहा है और सुखाने के बाद उसको जो है बोली लगाने के बाद 3 दिन सुखाया जा रहा है और उसके बाद उसको जो है तोला जा रहा है। जल्दी इसके लिए अब संगठन में भी बात करेंगे और खुद भी जो है मंडियों को जाके संभालेंगे साथियों, क्योंकि बोली जब लग गई तो उसके बाद सुखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बोली जब लगती है तो अच्छे बुरे जो कमजोर या अच्छे माल की बोली लगती है, देख करके लगती है, बोली लगाने के बाद सुखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और एक चीज और सुनने में आई है कि काटा काटा जा रहा है, काट जिसको बोलते हैं प्रति क्विंटल के पीछे 2 किलो की काट, कई मंडियों में तो 3 किलो तक की काट, कुछ मंडियों में 1 किलो की काट, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। आपकी मंडी में भी क्या ऐसी कोई समस्या है तो साथियों जरूर अवगत कराना। कल से
कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को जो है जरूर उठाएंगे, और हर साल हमें ये करना पड़ता है, इसी तब जाके जो है काट रुकती है। और साथ ही साथ जो है लगातार जो शिकायतें आ रही हैं कि चार चार दिन किसानों की फसल को वहां पर सुखाया जा रहा है, उसके बाद उसको लिया जा रहा है, तो वो भी बहुत गलत बात है, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो कॉटन के अंदर कल जो है इस बात के ऊपर भी गौर करेंगे। मूंग के भाव की बात करें, दिल्ली लाइन 200 रुपये तेज हुई है दो दिनों में साथियों। भाव की बात करें तो गंगानगर भाव भी 8,100 रुपये और कर्णपुर 7,790 रुपये। रायसेनगर के जो भाव हैं साथियों वो 7,900 रुपये, सिरसा 7,800 रुपये और नोर के अंदर 8,000 रुपये साथियों आज जो है 8,500 रुपये भाव रहे हैं साथियों आज जो है मूंग के। चना के भाव भी लगभग 50-50 रुपये आज साथियों तेज हुए हैं। मिलेंगे साथियों कल इसी समय, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।